मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सावन के महीने में सावन शिवरात्रि का दिन शिव भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए आप इस दिन घर पर भी सरल विधि से परिवार के साथ शिव पूजा कर सकते हैं। इसीलिए हम आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं शिव जी की सरल पूजा विधि। यह पूजा आप चाहें तो एक शिवलिंग बनाकर कर सकते हैं या फिर आप 108, 51, 21, 11 शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग का निर्माण इस तरह से आप किसी भी थाली में कर सकते हैं। यह थाली चांदी, कांसी या पीतल की हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो स्टील की थाली में बिल्व पत्र या पीपल के पत्ते रख कर शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं और इस तरह से आप यह शिवलिंग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि जलाधारी बनाई जाए और जो भी सामग्री आपको सरलता से उपलब्ध हो जाए उसी के साथ परिवार के साथ मिलकर श्रद्धा भाव के साथ इस पूजा को करें। यदि आप ज्यादा मंत्र उच्चारण नहीं जानते हैं तो भी कोई बात नहीं, पूरी पूजा के समय केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इस पूजा के लिए जितने भी शिवलिंग आपने बनाए हैं सभी को जल चढ़ाएं और पंचामृत अभिषेक करें। उसके बाद फिर से थोड़ा सा जल चढ़ाकर चंदन, अक्षत, जनेऊ, पुष्प, फल, तिल, दुर्वा, तुलसी मंजरी, शमी, आक के फूल आदि से पूजा करें। सभी शिवलिंग पर एक एक बिल्व पत्र जरूर चढ़ाएं। धूप जलाएं, दीप जलाएं, दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा आपने जितने भी शिवलिंग बनाए हैं उन सभी पर चढ़ाएं। फिर बाद में यह दक्षिणा फल, पुष्प, जो भी सामग्री या नैवेद्य आपने चढ़ाया है वह मंदिर में या ब्राह्मण को दे सकते हैं और उसके बाद दीप जलाकर आरती करें, कपूर जलाएं, धूप जलाएं। पूरी पूजा के समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। आरती करने के लिए चाहे तो आप 3 बाती का दीपक जलाएं, नहीं तो आप 3 तार की 108 बत्ती की एक बाती बनाएं, उससे आरती करें। उसके बाद में सावन शिवरात्रि की कथा सुनें। सावन शिवरात्रि की कथा भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इस तरह बड़ी ही सरल विधि से आपकी सावन शिवरात्रि की पूजा परिवारजनों के साथ संपन्न हो जाएगी। और अब हम जानते हैं इस पूजा का बहुत ही सरल तरीके से विसर्जन कैसे किया जाए। आप यदि सुबह पूजा कर रहे हैं तो शाम को प्रदोष काल में विसर्जन कर दें, पर यदि आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो अगले दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर इस पूजा का विसर्जन करें। विसर्जन के लिए एक साफ बड़े बर्तन में शुद्ध पानी लेकर उसमें इस तरह आप सभी शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। बाद में यह पानी तुलसी के अलावा किसी भी पौधे में डाल दें। इस पानी को किसी भी गंदी जगह पर ना डालें। विसर्जन करते समय भी आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी छोटी छोटी लेकिन उपयोगी जानकारी। जय श्री राधे।